कटघर थाना क्षेत्र में आने वाले गांव गोट में कलिंगा ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर फटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह के समय गोट गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब जोरदार धमाके की आवाज से पूरा गांव दहल गया। सुबह के समय गांव के अंदर कलिंगा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उतारने पिकअप गाड़ी पहुंची थी। मजदूरी के तौर पर सिलेंडर उतार रहे मोहम्मद यासीन निवासी गोट थाना कटघर ने जैसे ही सिलेंडर पिकअप से नीचे उतारा वे जोरदार धमाके के साथ फट गया और मजदूर यासीन को अपनी चपेट में लेते हुए गांव के कोने से तेज धमाके के साथ हवा में उड़ता हुआ जंगल में जा गिरा। धमाके की आवाज सुनकर जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यासीन के शरीर के अवशेष गांव के रास्ते में बिखरे हुए पड़े थे और वे जंगल में आधे शरीर के साथ खेत में पड़ा था। चीख पुकार की आवाज सुनकर पास पहुंचे और तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यासीन को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया जहां उपचार के दौरान यासीन ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर सुनकर गांव में मातम छा गया। सभी परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जब वो उतारने के लिए जब उनको हाथ डाला ना तो उस सिलेंडर आपस टकरा गया। उसके बाद उसका हादसा हो गया। तो वो जो है ना सिलेंडर फट गया। उड़ने के बाद फट गया। फटने जो गया ना तो एक चीज चढ़ा गया उधर और एक गया इधर। तो जब गए ना तो सब उठा के लाए तो वो जो है वो चले गए टुकड़े टुकड़े। अलग अलग क्या नाम है जिनकी चोट लगी है? यासीन। कहाँ पर थे वो? गोट में। अच्छा क्या उनकी मृत्यु हो चुकी है जी? हाँ। क्या उनकी मौत हो चुकी है? मौत हो गई। अभी फोन आया। अच्छा क्या ये जो हादसा हुआ था इनके अवशेष कहाँ कहाँ से उठा कर लाए हो? आप मुलाकात से लाते हैं ना? हाँ। नहीं जो अवशेष उनके टांगा वांगा फटी थी ये तो भाई जगह लाए टुकड़े उठा उठा कर जंगल पहले खेत में था कुछ इस खेत में था सिर्फ समय से बहुत दूर से लाए टुकड़े अभी भी नहीं रहे टुकड़े जैसे ये अभी मिले नहीं है। इसमें कितने लोग और घायल हुए थे? और कोई नहीं। और कोई नहीं बस अकेले ना वो गाड़ी का जो वो होता है ड्राइवर वो आ गया वो जो पिछला सिरा होता है वो सारा बेड़ा बेड़ा हो। अच्छा क्या जैसे कि एक घनी आबादी है यहाँ पर और यहाँ से और बड़ा हादसा हो जाता है नहीं जंगल में जंगल में गए ना टुकड़े साइड जंगल साइड में पर घर भी है पास में है पर घर को कोई ये हादसा हुआ था ये गांव के अंदर हुआ था बाहर 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 गांव का कोना है ये अच्छा गांव कोने पर तो वहाँ से आती है गैस एजेंसी से यहाँ आके उतार रहे थे उतारते पे सिलेंडर फट गया। जो आदमी उतार रहा था उसकी दोनों टांगें तोड़ गई। जबकि इस सिलेंडर में पहले से ही रिजेक्टेड है ये देख रहे हैं कंपनी वालों का इसमें फॉल्ट बनता है ये बिल्कुल बात ये है कि इसमें वो नहीं है। ये गैस सिलेंडर कौन सी कंपनी का था? ऑक्सीजन यहाँ तो एक मोहित नाम का आदमी व्यक्ति डालता है हम उसका क्या यहाँ पर इसकी शाखा है जो तरते हैं यहाँ पर ये? हाँ ये मोहित नाम के हैं जो कि जिनके सिलेंडर आ रहे थे यहाँ पे। नहीं जो यहाँ पर सिलेंडर उतरते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर पहले परमिशन ले रखी है शाखा है इसकी? ऐसा हमें कुछ नहीं मालूम है कि ये परमिशन इन लोगों ने ले रखी है या नहीं ले रखी है या नंबर दो में डाल रहे हैं। यहाँ तो पूरे गाँव में काम होता है सिलेंडर का और अपने अपने घर ये पहुँचा देते हैं उसका काम करते रहते हैं। इस बात का कोई मालूम नहीं है कि इन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली है। क्या इस हादसे में कोई घायल हुआ? हाँ एक आदमी की दोनों टांगे उठी हैं जो कि यहाँ से करीब आधा आधा किलोमीटर दूर जाके मिली हैं और अभी भी पड़े हुए हैं और अभी भी इसके अवशेष आधा आधा किलोमीटर पे पड़े हुए हैं। अच्छा क्या ये घटना कब की है? ये घटना सुबह है 7:10 की 7 बजे। अच्छा क्या जैसे कि ये हादसा हुआ है कोई ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर मकान बिल्कुल गाँव के अंदर है? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इसका भरपूर पूरा क्लेम मिलना चाहिए और जिसका क्लेम बनता है उसको मिलना चाहिए और जिसके ऊपर क्लेम पड़ता है उसको देना चाहिए। क्या पुलिस आई? क्लेम का मानना होता है। पुलिस आई थी यहाँ पर मौके पर? हाँ पुलिस आई थी। क्या बोला पुलिस ने? पिकअप अब ये तो जो है वो कह रहे हैं कि साहब इसको पहले तो यहाँ से जो मरीज था उसको पहुँचाने की व्यवस्था की गई वो पहुँच गया अस्पताल में पहुँच गया बाकी सब लोग यहीं मौजूद हैं। गाड़ी का आधा हिस्सा गायब है और उसके दिमाग से भी खून आ रहा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है बचने की उम्मीद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे क्या नाम है जिनके गंभीर हालत में? यासीन। फायर ब्रिगेड यहाँ पर लाए हो गोड़गांव में क्या मामला क्या घटना हुई यहाँ पर? एक आदमी झुलस गया जिसको पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचा दिया गया। क्या सर इसमें और भी कोई जख्मी हुआ है? ना सूचना तो यही मिली एक जगह का जख्मी हुआ था बाकी तो जो भी व्यक्ति इतना था क्या उसके उपचार के दौरान बहुत हो गई है? हाँ सूचना यही मिली उसके ठेकेदार से बात हुई अभी एक्सपायर हो गया वापस आ रहे हैं। तो सर जैसे कि ये सुबह हादसा हुआ था इसके जगह जगह अवशेष मिले हैं क्या कोई और कर्मचारी जो ये कलिंदा वाला ये गैस सिलेंडर कोई आया यहाँ पर मौके पर? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा क्या जैसा कि सर आपको सूचना मिली तो तुरंत आप यहाँ पर आए फायर ब्रिगेड वाले? जी जी।